अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो बैग बनाने जा रहे हैं उसके लिए देखो इस तरह से ये हमने दो पीस लिए हैं। ये हम कोई भी पीस ले सकते हैं, अगर आपके पास कॉटन फैब्रिक है तो वो कॉटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ब्लाउज़ का पीसेस है तो वो भी चलेगा। इसकी लंबाई हमने ली है 12 इंच और इसकी चौड़ाई हमने ली है 17 इंच। सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे यहाँ पर और इस तरह से सेंटर पर एक मार्क लगा देंगे और इस तरह से भी एक सेंटर पर निशान लगा देंगे। ये देखो ये हमारा दोनों निशान है इस तरह से। अब यहाँ पे हम यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ से भी 2 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ से 1.5 इंच पे और यहाँ से भी 1.5 इंच पे। जिस तरह से यहाँ पे निशान लगाए हैं सेम उसी तरह से यहाँ पर भी एक निशान लगा देंगे। ये रहेगा 2 इंच पर और ये रहेगा 1.5 इंच पे इस तरह से। अब ये जो हमने निशान लगाए हैं ये देखें इस तरह से यहाँ पे प्लेट्स करके यहाँ पे स्टिच करेंगे और इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ पे स्टिच करेंगे। जिस तरह से ये सेम उसी तरह से इस पे भी निशान लगा के प्लेट्स लगाएंगे। देखो इस तरह से हमने दो टक्स यहाँ पे लगा दिए हैं और दूसरे वाले में भी इस तरह से दो प्लेट्स हमने लगा दिए हैं। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये देखो सेंटर पे सेंटर इस तरह से रखकर यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे इस तरह से गोलाई का शेप देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब ये जो हमने शेप दिए हैं इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो जिस तरह से ये हमने कट किए सेम उसे रखकर दूसरे की भी हमने इसी तरह से कटिंग कर लिए हैं। ये देखें इस तरह से, ये देखो इस तरह हमने कटिंग कर लिए हैं। अब हम एक यहाँ पे पॉकेट बनाएंगे, उसके लिए देखो ये मैंने जिप ली हूँ इस तरह से। इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 11.5 इंच। ये देखो इस तरह से। सबसे पहले इसके अंदर हम रनर इंसर्ट करेंगे। देखो ये रनर हमने इंसर्ट कर चुके हैं। ये 2.5 इंच का ये मेन फैब्रिक है और ये लाइनिंग वाला पीस है। मेन फैब्रिक इस तरह से सीधे पे सीधा रखेंगे, लाइनिंग वाला पीस इस तरह नीचे रखकर यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे, उसके बाद टॉप स्टिच करेंगे। जिस तरह से ये कवर किए सेम ये भी कवर करके रेडी करेंगे। देखो ये हमने जिप रेडी कर लिए हैं। ये देखो हम ये हमारा रनर है, इसे नीचे की तरफ इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे, इसके बाद यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे और ऊपर देखो इस तरह से ये हमने दो पीस लिए हैं। ये हमने जिप लगाए हैं इसलिए ये हमारा रहेगा 2.5 इंच। ये देखें और जो दूसरा वाला है जिसमें हम जिप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो ये हमने लिए हैं इस तरह से 3 इंच। तो ये इसे नॉर्मल सिंपल सा, अगर आपको जिप चाहिए तो आप इसी तरह से कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं चाहिए तो आप इस तरह से सीधे पे सीधा रखकर स्टिच करें और यहाँ पे टॉप स्टिच करें और इसमें इस तरह से यहाँ पे स्टिच करें, टॉप स्टिच करें, उसके बाद इस तरह से स्टिच करें, इसे भी इस तरह से टॉप स्टिच करें। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिचिंग कर ली हैं और दूसरा भी हमने स्टिचिंग कर ली है। अब यहाँ पे हम स्ट्रैप के लिए निशान लगाएंगे, उसके लिए देखो इस यहाँ पे इस तरह से ये जो हमारा सेंटर आ रहा है उस पर इस तरह से निशान लगाएंगे। ये देखें सेंटर से यहाँ पे हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से भी हम 3 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। जिस तरह से यहाँ पर हमने निशान लगाए हैं सेम वैसे निशान ही हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से। ये देखें यहाँ पर भी 3 इंच पे यहाँ से निशान लगाएंगे और 3 इंच यहाँ पर भी इस तरह से निशान लगाएंगे। स्ट्रैप के लिए ये देखो इस तरह से ये मैंने दो पीसेस ली हूँ। ये देखें इसका मेजरमेंट बता देती हूँ, इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 5 इंच और इसकी लंबाई इस तरह से मैंने ली हूँ 25 इंच। हम इसे इस तरह से 1, 2, 3 फोल्ड करके स्टिचिंग करेंगे। ये दोनों स्टेप हम रेडी करेंगे।
ये देखो ये हमने स्ट्रैप रेडी कर लिए हैं। अब इस तरह से अटैच करेंगे, ये देखो यहाँ से इसे इस तरह से रखेंगे, स्टिचिंग करेंगे, दूसरा इस तरह से रखेंगे यहाँ पे, इस तरह से यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने ये स्ट्रैप लगा दिए हैं और ये हमने दूसरा वाला स्ट्रैप लगा दिए हैं। अब ऊपर हम जिप वाला हिस्सा बनाएंगे, उसके लिए देखो इस तरह से ये हमने जिप लिए हैं और इस तरह से ये दो मेन फैब्रिक है और ये दो लाइनिंग वाला पीस है। सबसे पहले इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। ये देखिए इस तरह से इसकी लंबाई है 13 इंच और इस तरह से इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 4 इंच और ये जिप हमने लिए हैं 17 इंच का। ये देखें इस तरह से, सबसे पहले ये देखें ये सीधा है, ये सीधा है और ऊपर से हम यहाँ पर 1/2 इंच पे सिर्फ निशान लगाएंगे दोनों, इसके भी और इसके भी, इस तरह से 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे दोनों पे हम 1 इंच निशान लगा देंगे इस तरह से। इसे थोड़ा सा इस तरह से ओपन करेंगे और इसे इस तरह से दोनों को फोल्ड कर देंगे हम इस तरह से, इसे नीचे की तरफ रखेंगे। ये देखें यहाँ से सीधे पे सीधे रखकर यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे ऊपर इस तरह से लाइनिंग वाला पीस रखने के बाद। ये देखो ये अंदर की तरफ करेंगे, यहाँ से स्टिच करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसे स्टिच करेंगे और ये जो हमने 1 इंच पे रखे इसे आगे लेके जाएंगे, जिप अंदर की तरफ करेंगे और यहाँ से यहाँ तक इसे लाकर स्टिच कर देंगे, सिर्फ ये हिस्सा खुला रहेगा। जिस तरह से ये स्टिच करेंगे सेम दूसरा वाला पीस जब हम इस तरह से खोलेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, इसे भी हम इसी तरह से स्टिच करके रेडी करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने यहाँ से यहाँ तक सिल लिए हैं। ये देखें ये कुछ इस तरह से ये हमारा दोनों सेम इसी तरह से आएगा। ये देखें इस तरह से जो हमने निशान लगाए थे, ये देखें एक इस तरफ से ये और ये दूसरी तरफ से ये हमारा बन के आया है। अब यहाँ से टॉप स्टिच यहाँ तक करेंगे और यहाँ से टॉप स्टिच यहाँ तक करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने टॉप स्टिच कर लिए हैं, इसे ओपन कर लिए। अब हम इसमें रनर इंसर्ट करेंगे, तो ये हमने रनर इंसर्ट कर चुके हैं। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, यहाँ पे एक सेंटर पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे भी हम इस तरह से एक सेंटर पे निशान लगा देंगे इस तरह से। ये हम मेन फैब्रिक अपना जो हमने बनाए हैं यहाँ पे, जो स्टेप के लिए हमने मेन फैब्रिक रखे थे उसे इस तरह से यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे इसे रखेंगे और सेम इसके बराबर एक लाइनिंग वाला पीस लेंगे इस तरह से। ये देखो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब इसे बैक करेंगे, इसे इस तरह से यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे और ये बराबर करके यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे और एक्स्ट्रा पीसेस की कटिंग करेंगे। दूसरे पीस को भी हम सेम इसी तरह अटैच करेंगे। यहाँ पे हमने जो नीचे सेंटर पे निशान लगाए हैं इस तरह से ऊपर कर देंगे इस तरह। ये देखो सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे, लाइनिंग वाला पीस नीचे रखेंगे। ये देखें इस तरह से इसे बराबर रख के यहाँ पे स्टिच करेंगे, उसके बाद यहाँ पे भी टॉप स्टिच करेंगे। जिस तरह से ये करेंगे सेम इसी तरह से ये भी करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। ये जो है ये इसके लिए पॉकेट बनके ये देखो रेडी हो गया है इस तरह से। ये देखिए ये हमारा पॉकेट बनके रेडी हो गया है। अब हम साइड में बेस बनाएंगे, तो सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट लेंगे। ये देखें हम यहाँ से लगाएंगे तो यहाँ से इस तरह से पूरा इसकी गोलाई का मेजरमेंट ले लेंगे इस तरह से। ये देखो ये मेरा 37 आ रहा है तो हम 38 इंच लेंगे, 1/2 इंच हम आगे इस तरह से फोल्ड करेंगे। उसके लिए देखो इस तरह से ये हमने पीस लिए हैं। ये देखें
ये 38 इंच का है, इसकी चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से 5.5 इंच का है। सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर पे एक निशान लगा देंगे। ये देखो इस तरह से दोनों साइड में। और ये जो हमने बैग के लिए सेंटर पे निशान लगाए थे, यहाँ से लेकर ये सेंटर को सेंटर से मिलाएंगे। ये देखिए इस तरह से। और यहाँ से लेकर ये पूरा हम स्टिच करेंगे इस तरह से। ये हाफ इंच जो एक्स्ट्रा आएगा हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। पहले आप चाहें तो आप हाफ इंच इस तरह से फोल्ड करके स्टिचिंग कर लें, या बाद में जब ये स्टिचिंग करके जाएंगे तो इसे भी इस तरह से फोल्ड करके स्टिचिंग कर लें। इसे भी सेम इसी तरह से हम स्टिच करेंगे। उसके बाद ऊपर वाले पीस को इसके सेंटर पे रखकर, ये वाला जो सेंटर है इसे मिलाकर इस तरह से स्टिच करके ये रेडी करेंगे। देखो इस तरह से ये हमने पूरा गोलाई में स्टिच कर लिए थे और यहाँ पे पाइपिंग कर दिए हैं। और ये जो हमने लास्ट में इसको इस तरह से पैक कर दिए। तो इस तरह से ये देखें हमारा बैग बनके रेडी हुआ है। ये देखें ये फ्रंट वाला पार्ट है, ये जहाँ हमने एक जिप बनाए हैं। तो ये काफ़ी स्पेस वाला बैग है। और ये इस तरह से ये अंदर की तरफ वाला है, ये देखें। तो आप इसे ज़रूर बनाएं, इसे बनाना बहुत ही आसान है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।